हेलो दोस्तों, अरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे, तो इसमें बात कर रहे हैं आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का पिछला क्लास भी हो रखा है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग, देखिए कि यहाँ कुछ प्रमुख तट हैं, प्रमुख तट हैं। जैसे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपको बताया था सियरा लियोन, कौन सा है सियरा लियोन, और यहाँ पे है एक है कौन सा लाइबेरिया, ठीक है, सियरा लियोन और लाइबेरिया, ठीक है, सियरा लियोन और लाइबेरिया। इसके जो तट है, ये तट है, इसको इस तट को कहते हैं ग्रीन कोस्ट। इस तट का नाम क्या है? ग्रीन कोस्ट। ओके, तो ग्रीन कोस्ट में जो देश आते हैं कौन कौन से हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सियरा लियोन प्लस में सियरा लियोन और कौन है? लाइबेरिया। ओके, तो सियरा लियोन और लाइबेरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि काली मिर्च यहाँ पे होता है। क्या होता है? काली मिर्च का उत्पादन यहाँ पे होता है, ठीक है। इसलिए से क्या कहते हैं? पेम्पर कोस्ट, ठीक है। इस तरफ क्या होता है? काली मिर्च का। नेक्स्ट जो देश है आपको है कोट डी आइवरी। तो इस कोस्ट का क्या नाम है? इस तट का क्या नाम है? आइवरी कोस्ट। कॉफ़ी होता है, क्या होता है यहाँ पे? कॉफ़ी। इस तट पे क्या होता है, किसका कम होता है? कॉफ़ी का। जो आइवरी कोस्ट है, कोट डी आइवरी, ये क्या होता है? इसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपको देश जो मिलेगा आपको, ये है घान, ये क्या है आपका? कोट डी आइवरी। फिर कौन है आपको? घाना, ठीक है। नेक्स्ट देश चौक मिलेगा कौन सा है? गोल्ड कोस्ट। ओके, इसका नाम है गोल्ड कोस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो उत्पादन होता है गोल्ड, पेट्रोलियम, गोल्ड के साथ क्या क्या? पेट्रोलियम और गैस, ठीक है। तो जो घाना के जो तट है, इस पर जो यहाँ पे होता है गोल्ड पेट्रोलियम और गैस। तो कहाँ पर आता है? घाना में, ठीक है, घाना, ठीक है। और आइवरी कोस्ट कहाँ है? कोट डी आइवरी में, ठीक है। कोट डी आइवरी है, ये आपका घाना हुआ। अब देखिए यहाँ पे तीन देश हैं, उसका क्या नाम क्या है? उसका कहते हैं स्लेव कोस्ट। नेक्स्ट है आपका है स्लेव कोस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? दास कोस्ट, ठीक। टोगो, बेनिन प्लस में नाइजीरिया, ठीक है। इसे कहते हैं स्लेव कोस्ट, दास कोस्ट। यहाँ से दासों का निर्यात किया जाता था, इसे कहते हैं क्या? स्लेव कोस्ट। तो हम लोग यहाँ देख लिए कौन कौन से, ग्रीन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लीव कोस्ट। और ये आपका रहा गिनी की खाड़ी, है ना। यहाँ पे एक दो गिनी है, एक गिनी बिसाव है और एक गिनी है, एक आपको मिलेगा यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं हुआ होइएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेटोरियल गिनी यहाँ पे है, ठीक है। एक गिनी है, एक गिनी बिसाव है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि अफ्रीका के सारे, ठीक है। अब बात करते हैं मरुस्थल के बारे में, ओके, डेजर्ट के बारे में। मरुस्थल, डेजर्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो डेजर्ट की बात करें तो सबसे जो बड़ा आता है कौन सा डेजर्ट है आपका? सहारा। तो सहारा मरुस्थल जो है ये आपका नॉर्थ में उत्तरी भाग में फैला हुआ है, ठीक है। दक्षिणी भाग में एक मरुस्थल है, उसके मरुस्थल का क्या नाम है? कालाहारी। आपको यहाँ देखना है मरुस्थल में,
सहारा, कालाहारी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखें नूबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल है ना, उस पूर्वी मरुस्थल को कहते हैं वाइट मरुस्थल यहाँ पे है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे है लिबिया, लिबिया मरुस्थल, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि मरुस्थल जो है वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ठीक है। और मरुस्थल में जो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जनजाति पाई जाती है, कि कौन से मरुस्थल में कौन से जनजाति है। जैसे आप लोग को बताएंगे यहाँ पे कि सहारा मरुस्थल है ना, तो सहारा मरुस्थल में कौन से जनजाति पाई जाती है, वहाँ पाई जाती है कौन सी जनजाति है ना, तो यहाँ बताएंगे कि कौन सी जनजाति पाई जाती है सहारा में। फिर कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। फिर यहाँ पे जो क्या है, ये क्या है, पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी अफ्रीकन उच्च भूमि है, यहाँ पे कौन सी पाई जाती है ना। तो इस तरीके से भी हम देखेंगे मरुस्थल के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं मरुस्थल, ठीक है, बात कर रहे हैं मरुस्थल की, ठीक है। तो यहाँ जो प्रमुख जो मरुस्थल है, पहला मरुस्थल है, पहले कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है, सहारा, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है, सहारा मरुस्थल। वो कैसी मरुस्थल है, वो गर्म मरुस्थल है। कैसी मरुस्थल है ये मरुस्थल जो है वो क्या है, गर्म मरुस्थल है। ये क्या है, पहली मरुस्थल है, फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। बात करें सेकेंड का, तो सेकेंड मरुस्थल में आता है कौन सा, शीत मरुस्थल, ठीक है, शीत मरुस्थल। तो अभी हम लोग शीत मरुस्थल की बात नहीं कर रहे, बात करेंगे हम लोग अभी सहारा, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल की बात करेंगे, तो ये सहारा मरुस्थल जो है किन किन देशों में कहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। वेस्टर्न सहारा, ये आपका कौन सा है, वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड, माली, नाइजर, मॉरिटानिया, ठीक है। ध्यान दिया पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो देश है यहाँ पे, पहला जो देश है वो कौन सा है, ये देश है आपका, यहाँ देखिए ये कौन है, मोरक्को, मोरक्को। कौन कौन देश फैला हुआ, पहला देश है मोरक्को। नेक्स्ट है आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया। नेक्स्ट है आपका लीबिया, लीबिया। फिर नेक्स्ट है मिस्र, मिस्र। मतलब आप आएंगे कहाँ पे, सूडान, सूडान। फिर नेक्स्ट है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। उसके बाद फिर कहाँ पे आएंगे, चाड, चाड, माली, चाड के बाद फिर माली, माली के बाद फिर मॉरिटानिया, माली के बाद सूडान हो गया, चाड, माली, मॉरिटानिया, इसको कहते हैं मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, ओके, मॉरिटानिया। और ये कौन सा है, ये जो आपको मिलेगा कौन सा देश है, यहाँ देखिए ये आपका सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड, माली, नाइजर, एक आपका नाइजर भी आएगा, नाइजर, ओके, मॉरिटानिया और नाइजर, ठीक है। तो देखिए कितने देश हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, यस काउंट कीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एक देश आपका यहाँ पे है, ठीक है। एक देश जो है कौन सा है, नाइजर हो गया, सूडान, चाड, सूडान, चाड, माली, सूडान, चाड, माली, ये आपका हो गया कौन सा, नाइजर, नाइजर बाद मॉरिटानिया, और बच गया कौन सा, वेस्टर्न सहारा, जिसे कहते हैं पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। तो इस तरह से इतने देशों में कौन सा फैला हुआ है, सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है, ये आपका हुआ सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट मरुस्थल है आपका कौन सा है, कालाहारी, यहाँ पे मिलेगा आपको कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, ये तीन देश में फैला हुआ है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल जो है कितने देश में फैला हुआ है, तीन देशों में है ना। यहाँ देखिए नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, यहाँ देखिए इस एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कालाहारी फैला हुआ है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती जनजाति, ठीक है, कौन पाई जाती है यहाँ पे, जनजाति, जनजाति, जनजाति।
उस जनजाति का क्या नाम है, बहुत फेमस है, क्वेश्चन बार बार पूछता है, उस क्वेश्चन जनजाति का नाम क्या है, बुशमैन, ध्यान दीजिएगा, उस जनजाति का क्या नाम है, बुशमैन। ओके, कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति निवास करते हैं उस जनजाति का नाम क्या है, बुशमैन। और जो मरुस्थल जो कौन है, सहारा मरुस्थल, यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, यहाँ पे सहारा में जो पाई जाती है उस जनजाति की जनजाति को कहा जाता है बद्दू। जनजाति जो पाई जाती है उसको कहते हैं क्या, बद्दू। ओके, ध्यान दीजिएगा, कालाहारी मरुस्थल में जो जब पाई जाती जनजाति उसे कहते हैं बुशमैन, और जो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है उसे कहते हैं बद्दू। नेक्स्ट है आपका एक यहाँ पे पाया जाता है, इसे कहते हैं क्या, पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि, पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि, यहाँ पे भी जनजाति निवास करते हैं, जनजाति यहाँ के जनजाति को क्या कहते हैं, है मसाई, मसाई, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि जो है, पूर्वी अफ्रीका उच्च भूमि में यहाँ पे निवास करते हैं जनजाति, उन्हें कहते हैं मसाई। और नेक्स्ट आपको मिलेगा था कांगो, जो जिसे कहते हैं कांगो या जायरी, कांगो या जायरी, ठीक है। यहाँ पे जो पाया जाता है जनजाति, उस जनजाति का नाम क्या है, जनजाति, उस जनजाति का नाम क्या है, पिग्मी, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अभी आपको बताया चार जनजाति अफ्रीका में, पहला जो सहारा मरुस्थल में जो पाए जाते जनजाति उसे कहते हैं बद्दू, बद्दू क्या कहते हैं, बद्दू, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, नोट कर दिया। नेक्स्ट है आपका कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर आता है इस लोकेशन में, तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती जनजाति उसे कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बुशमैन, क्या कहते हैं, बुशमैन। नेक्स्ट है अफ्रीकी उच्च, पूर्वी अफ्रीकी उच्च भूमि में पाए जाते हैं उसे जनजाति कहते हैं मसाई। नेक्स्ट है जो कांगो में पाए जाते जनजाति उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पिग्मी, पिग्मी, मसाई, बुशमैन, बद्दू। तो अफ्रीका के प्रमुख जो चार जो जनजाति हैं वो बता दिए कि कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका जा रहा है नील नदी, ठीक है, यार आपका नील नदी, तो नील नदी के पूर्वी साइड में जो मरुस्थल है ना, इसे कहते हैं पूर्वी मरुस्थल, इधर जो मरुस्थल है इसे कहते हैं पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं, इसे कहते हैं पश्चिमी मरुस्थल। फिर यहाँ देखिए नील नदी भाई, ये जो जा रहा है जो निकल रहा है जिन टाना झील से, है ना, तो ये जो मरुस्थल यहाँ पाया जाता है ये होता है नूबियन, नूबियन मरुस्थल, यहाँ लिख देते हैं नूबियन, नूबियन मरुस्थल। ओके, यहाँ कौन सा मरुस्थल है, नूबियन मरुस्थल, ए लीबिया है, लीबिया के नाम पे पड़ा है मरुस्थल का नाम, लीबिया मरुस्थल, लीबियन मरुस्थल, लीबियन मरुस्थल, लीबियन मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पे पड़ेगा आपको नूबियन मरुस्थल, यहाँ पड़ेगा लीबियन मरुस्थल, लीबिया के नाम पे पड़ा है। ए नील नदी के पूर्व भाग में पूर्वी मरुस्थल, इधर पश्चिम साइड में पश्चिम मरुस्थल, पूरी भाग जो मरुस्थल से कहते हैं वाइट मरुस्थल, क्या कहते हैं, वाइट मरुस्थल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कौन कौन से मरुस्थल हैं। बात करते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, तो जो मृत ज्वालामुखी है यहाँ देखिए, यहाँ पे बात करते हैं तंजानिया, तंजानिया है यहाँ पे, तो तंजानिया में क्या है, किलिमंजारो, किलिमंजारो, मंजारो, ओके, किलिमंजारो यहाँ पे ये क्या है, पर्वत चोटी है, क्या है, किलिमंजारो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से है, किलिमंजारो। और एक यहाँ पे पर्वत चोटी मिलेगा आपको केनिया में, ठीक है, केनिया है ना, केनिया, तो जो रहता है किसके लिए प्रमुख है, ये माउंट केनिया, जो पर्वत है जो है कौन सा है, माउंट केनिया। और यहाँ पे जो माउंट केनिया है उसमें किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो चाय की यहाँ सर्वाधिक होता है माउंट केनिया में। नेक्स्ट बताया कि यहाँ पे तंजानिया है, तंजानिया में क्या है, तंजानिया में आपको पड़ेगा माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, तो ये माउंट किलिमंजारो जो है ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे
कौन सा है? मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो में, ठीक है, माउंट किलिमंजारो में। और यहाँ मिलेगा आपको कैमरून, ठीक है, कैमरून बताएं, एक कैमरून है, कैमरून में पड़ेगा यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, कौन सा है? कैमरून में आपका सक्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मरुस्थल के बारे में, तो मरुस्थल में देख रहे हैं सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल, फिर लिबियन मरुस्थल, फिर एक मरुस्थल होता है ये नामीबिया है ना, तो नामीबिया के नाम पे है नामीबी, यहाँ पे नामीबियन मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे नामीबियन मरुस्थल। तो यहाँ पे जो एक जलधारा आती है ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा कौन सी है? ज्योग्राफी क्लास में हम बता चुके हैं ठंडी जलधारा कौन कौन सी है, गर्म जलधारा कौन कौन सी है, अगर देखे नहीं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी में, ओशनोग्राफी में बता रहे हैं कि बता दिए हैं उसमें कि कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। तो यहाँ पे बेंगुला की जलधारा कौन सी जलधारा है? बेंगुला की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। इस वजह से यहाँ पे कौन सा मरुस्थल का निर्माण हुआ है? तो नामीबी, ठीक है, नामीबिया के नाम पे यहाँ मरुस्थल है, नामीबी मरुस्थल, ठीक है। अब बात करते हैं नदी का, तो नदी में हम बता चुके थे कि प्रमुख नदी कौन कौन था अफ्रीका का था, तो एक प्रमुख नदी जो नील नदी थी, सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी, जो कहाँ से निकलती है? इथोपिया के टाना झील और विक्टोरिया झील से निकलती, व्हाइट नील, ब्लू नील और व्हाइट नील, ये मिलती है कहाँ पे? सूडान के खार्तूम में, अरे बन जाती क्या नील झील, और ये कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है, ये वो एक कौन सा नदी हुआ? नील नदी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो नील नदी है, जो नील नदी बाद, फिर नेक्स्ट बताए थे कि एक नदी जो है कांगो, कांगो नदी है यहाँ पे, कांगो जायरे में जो है, कांगो जायरे में यहाँ पे एक कांगो नदी है, वो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को दो बार काटती है, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, नोट कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि कांगो किस, कौन सा नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो कौन सा नदी है? वो आपका कांगो जायरे नदी, ठीक है, उसको जायरे भी कहते हैं, तो कांगो नदी कहते हैं। नेक्स्ट नदी है, आपको यहाँ बता दिए थे कौन सा है यहाँ पे, यह एक लिम्पोपो नदी है, कौन सा नदी है? लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को दो बार काटती है, किसको? मकर रेखा को, पिछले क्लास में बता चुके हैं सब हम, ठीक है, फिर भी हम बता दे रहे हैं लास्ट में कि पहला जो नदी हो गया वो आपका नील नदी हो गया, दूसरा नदी लो जो हो गया आपका कांगो नदी हो गया, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को दो बार काटती है, और ये कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है। नेक्स्ट नदी है आपका ओरेंज नदी जो है वो कहाँ गिरती है? वो गिरती है आपका इधर अटलांटिक इधर है, ठीक है, तो अटलांटिक सागर में गिरती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सा नदी है, एक है आपका अंगोला, है ना, अंगोला से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी है? जाम्बेजी, अंगोला से निकलती है जाम्बेजी, और ये कहाँ पे? जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बाउंड्री पे इसका एक क्या है, एक वाटरफॉल है, ठीक है, वाटरफॉल है, वो वाटरफॉल का क्या नाम है? विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात किस पे है? जाम्बेजी, तो जाम्बेजी कहाँ पे है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे है, और कहाँ पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बाउंड्री पे है, कौन सी वाटरफॉल है? विक्टोरिया जलप्रपात। कांगो नदी जो है, है ना, कांगो नदी है, इस पे दो जलप्रपात है, इस पे जो जलप्रपात है, जलप्रपात जो है दो है, ठीक है, तो जो जलप्रपात है कौन कौन है? एक है स्टेनले जलप्रपात, और एक है लिविंग स्टोन, ओके। तो इस पे जो जलप्रपात है कांगो जलप्रपात है ना, कांगो जो रिवर है इस पे दो जलप्रपात हैं, एक स्टेनले जलप्रपात है और एक क्या है? लिविंग स्टोन है, ठीक है। और कांगो जो नदी है वो काटती है किसको? विषुवत रेखा को दो बार काटती है, और मकर रेखा को जो काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप बताए थे कि ये जो पार्ट है आपको ये फैला हुआ है, ये क्या है? सहारा मरुस्थल। कहाँ कहाँ फैला हुआ था? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा। तो इसमें क्या फैला हुआ है? आपका सहारा मरुस्थल, ओके। उससे नीचे जस्ट आपको मिलेगा क्या मिलेगा? आपको साहेल,
ठीक है, क्या नाम है उसका, साहिल। साहिल क्या है देखिए, अब साहिल क्या है कि ये जो सहारा मरुस्थल है जस्ट इसके नीचे में, यहाँ से स्टार्ट होगा, सेनेगल है यहाँ पे, ठीक है, सेनेगल से स्टार्ट है एक यहाँ पे, क्या है साहिल क्या है, तो साहिल क्या है, अर्ध अर्ध शुष्क भूमि, क्या है अर्ध शुष्क भूमि, ये मरुस्थल नहीं है, क्या है अर्ध शुष्क भूमि है, जैसे किस नाम से आता है, साहिल के नाम से आता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो सेनेगल से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप है ना, वर्ल्ड मैपिंग में अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग कंप्लीट कर दिए है ना। तो आज के लिए बस इतने ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतने ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।